स्वागतम खुशामदीद, वेलकम टू गेमर्स टॉक। तो भाई शेर के बच्चे एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज यार टीम कोडी के लिए काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज उमंग की टीम में से सोलो या फिर ब्लू किन में से कोई ना कोई एलिमिनेट होगा। तो चलो फाइनली चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो भाई देखते हैं वोटिंग में तुम लोगों ने किसको एलिमिनेट किया। ओ भाई साहब, गया सोलो सिक्वा, सॉरी सोलो, क्या कर सकता हूं मैं। सोलो टाटा बाय बाय केन, बताओ केन बच गया। तो टोटल वोट आए 655 और तुम लोगों ने सोलो को एलिमिनेट कर दिया। तो अभी चलते हैं इस मैच की तरफ, और आज के मैच में मेरी टीम में रहने वाला है टीम कोडी में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और शील्ड ऑफ कोडी यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और मेरी टीम में रहने वाला है स्टोन को रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर। अच्छा एक बात पे तूने ध्यान दिया है, जब से रोमन रेंस हारा है ना रेसलमेनिया 40 में, तब से रोमन रेंस का परफॉर्मेंस गेम में भी कम हो गया है। भाई तूने उस बात पे ध्यान दिया, तूने एक मेजर बात पे ध्यान नहीं दिया। क्या? जब से शेर का बच्चे का एपिसोड चालू हुआ है ना, कोडी रोड्स ही रोमन रेंस को एलिमिनेट कर रहा है। भाई साहब ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, स्टोन कोल्ड ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। नाइस स्टोन कोल्ड, सही बंदा लग रहा है मुझे। भाई ब्रॉक लेसनर यार प्लीज परफॉर्मेंस कर देना, हो सकता है कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं हो पर परफॉर्मेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। भाई मैं आजकल ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं रोमन और ब्रॉक का परफॉर्मेंस, ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है ये गेम में फिट किया गया, नया अपडेट आया है क्या? भाई एक और स्टनर लगा दिया, मैं सच्ची उमंग सच बोल रहा है, गेम में नया अपडेट आया है। ट्रिपल एच के न्यू एरा के जो चैंपियंस है ना और जो नए नए सुपरस्टार्स है वो लोग 2K में भी ज्यादा अच्छा खेल रहे। भाई ये सब और छोड़, कोडी रोड्स और रोमन रेंस का जब भी आमना सामना हो रहा है रोमन एलिमिनेट नहीं कर रहा है, पिन भी नहीं करवा रहा है कोडी का, भाई कोडी एलिमिनेट कर रहा है। भाई मैंने तो बता ही दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने बता दिया ये चीज, मैंने परसों वाली वीडियो में नोटिस करी थी कि जब से शेर का बच्चा का चालू हुआ एपिसोड्स, एपिसोड 1 2 दोनों में ही एलिमिनेट किया। चलो इस बात पे भी ध्यान दे देते कि आज की वीडियो में क्या होता है, रोमन बदला ले पाता है कि नहीं। हाँ देखते हैं कि कोडी को रोमन एलिमिनेट कर सकता है या नहीं। फिलहाल तो ब्रॉक ने कमूरा लगा दिया स्टोन को, स्टीव ऑस्टिन को। भाई साहब एक मैच अमन हार चुका है, एक मैच मैं हार चुका हूँ, अब ये तीसरा मैच अमन को हरवा गया। फिलहाल तो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड का आमना सामना चालू है। यहाँ से सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस नहीं आ सकता है और उमंग की तरफ से रोमन रेंस नहीं आ सकता है। यार स्टोन कोल्ड तो काफी अच्छा प्लेयर मुझे मालूम हो रहा है भाई, सेथ रॉलिंस के सामने यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर भी है, मैं बता रहा हूँ रेसलमेनिया का बदला निकाले, लेकिन इस बेचारे से क्यों बदला निकालेगा भाई, इसने क्या किया है? देखो स्मैकडाउन में भी आकर के ना ड्रू मैकइंटायर ने अप्रिशिएट किया था फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को। यार ब्रॉक लेसनर कुछ खेल लो, जब से वीडियो चालू हुआ है तुम देख यार एक दो या तीन ही फिनिशर लगाए, कितने लगाए इसने? एक फिनिशर, लेकिन ब्रॉक और रोमन दोनों अच्छा नहीं खेल रहा, जॉन भी अच्छा नहीं खेल रहा है भाई। टू रेजलेस यूज नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली रेजलेस यूज नहीं हुआ, कोडी रोस ऑन द अदर हैंड कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा है। और मुझे ये देखना है कि क्या टीम खतरू का परफॉर्मेंस लेवल एकदम गिर गया है क्या, कहीं टीम खतरू की डिफीटेड स्ट्रिक ना बन जाए। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये क्लेमोर लगाने के चक्कर में ड्रू मैकइंटायर ने कुछ नहीं लगा पाया। ब्रॉक लेसनर क्या कर रहे हो यार, दो दो फिनिशर है तुम्हारे पास, यूज करो। ड्रू मैकइंटायर और स्टोन कोल्ड दोनों अच्छा प्लेयर है, और तेरे तरफ सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर ये भी, और सबसे डेंजर भाई जब से टाइटल इसके हाथ में आया ना तब से बहुत खतरनाक। फिलहाल तो फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन यानी कि शील्ड ऑफ कोडी रोड्स, शील्ड है भाई कोडी रोड्स का ही। हाँ हाँ भूलना मत, रोते रोते जा, हम तो जीतेंगे नहीं सनम, तुझे भी नहीं जीतने देंगे, इसी को बोलते धोखेबाज भाई। भाई ये करने क्या चाह रहा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, अरे भाई साहब वो टॉप रोप फ्रॉम स्टॉर्म के चक्कर में था, ये इसका अलग सीन जा रहा है। ओ भाई साहब सेथ रॉलिंस काफी जोश में है भाई, तू इंजर्ड होके जा चुका है, जाना अपनी बीवी के पल्लू में जाके छुपना भाई, ऐसा कुछ नहीं वो करेगा भी यहाँ पर, रुको सेथ रॉलिंस अच्छा खेल लो भाई, अरे इसको मारो स्टोन कोल्ड को मारो, कम स्टॉम लगा। अरे नहीं यार सारी करतब रोमन रेंस के अगेंस्ट ही दिखा लो, जब रोमन रेंस की टीम में था ना सीजन 1 में तो इतना घटिया परफॉर्मेंस था ना इसका, क्या ही बताऊं मैं यार। घटिया परफॉर्मेंस से याद आया कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, तुम इतने जोश में मत आओ मेरे भाई, तुम अभी तक अच्छा नहीं खेले हो, पता नहीं यार 2K वालों दाढ़ी वाले बीस्ट इनकार्नेट को लेकर क्या हो, ये वाला ब्रॉक लेसनर नहीं खेल पा रहा है मेरी मानो तो। भाई स्टोन कोल्ड ने एक स्टनर लगा दिया, लेकिन सेथ की हेल्थ बहुत अच्छी है। चलो कोडी आ गया, कोडी नहीं आ सकता, वाओ नाइस। अच्छा कोडी रोड्स भी नहीं आ सकता है और द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी नहीं आ सकते, मतलब कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस तुमको आज इस रिंग के अंदर खुद अपना शील्ड बनना पड़ेगा, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। भाई मैं बता रहा हूँ, अरे यार फ्री पिन मत करो, सिग्नेचर आ जाएगा, पेडिग्री मार देगा तू। हाँ चलो सिग्नेचर आ गया, सेथ आई थिंक स्टोन कोल्ड को एलिमिनेट कर सकते हो तुम, क्योंकि रोमन और ड्रू मैकइंटायर भी नहीं आ सकते हैं रिंग के अंदर। तो भाई स्टोन कोल्ड वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस 1-on-1 हो रहा है, बाल वर्सेस टकले का बीच में मैच हो रहा है, ये देखते हैं तेल में ज्यादा दम है या टकले में ज्यादा दम है। भाई देखो मैं
मेरे को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मेरे को अभी फिलहाल एक बहुत खतरनाक चीज देखनी है कि क्या फिर से हैट्रिक लगाएगा कोडी रोड्स रोमन को एलिमिनेट करके। अच्छा जो मैच में जीता भी था ना उसमें कोडी ने एलिमिनेट कर दिया था रोमन को। कम पेडिग्री, चलो पेडिग्री लगा दिया, कम स्टॉर्म नहीं तो पेडिग्री लगा दिया है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने, पिन करवा लो इसको। प्रेजेंस किया मनुष्य टकले, इसलिए मैं बोलता हूं बाल रखना बहुत जरूरी है। 3 रिजल्ट बचा, रेसलिंग भी यूज नहीं किया, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस इज एन एसेट भाई साहब, शील्ड। अरे ड्रू मैकइंटायर क्या कर रहे हो भाई साहब? मैं बता रहा हूं जब से रोमन टाइटल हारा है ना मेरा और रोमन दोनों का फ्यूचर खतरे में। लो कम स्टॉर्म भी खा गया, हेल्थ भी जा रही है रोमन की, पर रोमन के पास सुपर फिनिशर है। मेरे को देखना है कि रोमन वर्सेस कोडी रोड्स में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। रोमन कम ऑन यार, इससे बदला ले लो प्लीज, इसी के चक्कर में रेसलमेनिया में टाइटल लिया, बहुत गलत लगा। जब से रोमन टाइटल हारा है ना मेरा और रोमन का किस्मत एक ही जैसे चल रहा, हार रहे हम लोग, क्या कर रहे बताओ भाई। रोमन एक्स क्या करने के चक्कर में, रोमन एक्स के पास सुपर फिनिशर है, कोई तरीके से रोमन एक्स का सुपर फिनिशर वेस्ट हो जाए ना। तो भाई स्पीयर, चलो ठीक है रेजेंस गया क्या, ठीक है रेजेंस गया, पर सुपर फिनिशर वेस्ट नहीं हो गया ना उमर भाई? अच्छा है, मैं तो सोच रहा हूँ सुपर फिनिशर ना दे, तीन फिनिशर एक साथ बर्बाद हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस तुम्हारे पास भी डबल फिनिशर है, तुम भी कम स्टॉर्म लगा करके रोमन रेंस का फॉर्मर ट्राइबल चीफ का हेल्थ लेके जा सकते हो। ड्रू मैकइंटायर जिसकी हेल्थ फुल है, तीन फिनिशर एक सिग्नेचर। अच्छा ड्रू मैकइंटायर खेला ही नहीं है क्या? नहीं अभी ड्रू मैकइंटायर खेला नहीं, अब लोंडा खेलेगा। कम ऑन ड्रू मैकइंटायर स्कॉटिश वॉरियर, रेसलमेनिया का सारा गुस्सा यहीं पर दिखा दो, इसके पीछे बिचारे के पीछे अलग सीएम पंक पड़ा हुआ यार। पता है मैं जब भी ड्रू मैकइंटायर आ रहा है ना मैं बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ। चलो बचा लिया क्लेमोर, मैं बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मैं बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ भाई साहब क्या हुआ। अरे यार जानता है डेमियन पीस से ज्यादा अच्छा ड्रू मैकइंटायर के ऊपर लगता वर्ल्ड टाइटल। बिल्कुल सही बात है, डेमियन पीस तो खैर अंडरटेकर की सस्ती कॉपी है, पर ठीक है ब्रॉक बचा लिया रोमन एक्स ने बिना रेजिलेंस के बचा लिया। अब तो गया रोमन रेंस के परफॉर्मेंस पे टाइटल हारने के बाद कुछ ज्यादा ही असर पड़ा है, वो भी 2K के गेम्स में। जैसे कि पॉल ह्यूमन ने बोला था कि टाइटल हारने का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो ये रहा 2K में भी तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेस ये रहा। तो भाई रोमू क्या बोलूं मैं, कोई बात नहीं रोमन, हमें उठना पड़ेगा इस हार से, क्या करूं मैं, मुझे पहले कोडी, पहले मेरे को अभी देखने दो प्लीज। अगर ये हो गया ना तो वो हैट्रिक हो जाएगी और ये बात एकदम एस्टैब्लिश हो जाएगी कि कोडी रोड्स ही एलिमिनेट कर रहा है इवन इन द टैग टीम मैच। किंग कौन है 2K24 का? ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इसके साथ तो मैच देंगे, ब्रॉक लेसनर तो और रद्दी खेल रहा है यार, टीम खतरों तो और रद्दी खेल रहा है भाई, कैसे फाइट करेगा मल्टीवर्स से वो। भाई साहब फिनिशर टाइम हो चुका है, डबल रिवर्सल मत करना प्लीज, मत करना डबल रिवर्सल। बिल्कुल सही, अभी रेजिलेंस जा सकता है, ड्रू मैकइंटायर नहीं आ सकता। अरे ड्रू मैकइंटायर इसलिए बोल रहा था मत आ उस वक्त, अब तो गया, अब तो भाई ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट कर देना, कोडी को टैग दे दिया इसने। यार ये गेम की सेटिंग है मैं बता रहा हूँ, ट्रिपल एच ने कोई अपडेट डाला है, ये बार बार ये रिपीट क्यों हो रहा है भाई? पहले एलिमिनेट, इस बार ही नहीं होने, रोमन रेंस ट्राइबल चीफ ने बोला इस बार ही मैं तुमसे एलिमिनेट नहीं होऊंगा। रुक जाओ, लो भाई रुक जाओ, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, और अभी ड्रू मैकइंटायर भी नहीं आने वाला है। अच्छा रोमन रेंस भी मार दे रहा है, फिनिशर टाइम भाई, फिनिशर टाइम गया। अच्छा तुम दूसरा वीडियो में ये देखो, रोमन रेंस खड़ा हुआ था क्रॉस रोड खाने, 1 2 नहीं पाकसम हैट्रिक, ड्रू मैकइंटायर तेरे तो लग गए भाई, कंधे तेरे वांदे लगे ड्रू मैकइंटायर, क्या करेगा ड्रू मैकइंटायर। मैं सोच रहा हूँ किसे हेलमेट करवाओ यार, फ्यूचर शॉक डीडीटी इसका फिनिशर, हाँ फिनिशर है, फ्यूचर शॉक डीडीटी फिनिशर बना दिया। 1 ऐसा मत बोलो भाई, सीएम पंक का हाथ तोड़ा इसी से। चलो भाई तो देखते हैं 3-on-1 कर पाता है ड्रू मैकइंटायर कि नहीं। हाँ लॉन्डे पूरे कर्तव्य मार रहे हैं भाई, ये खतरनाक अपडेट डाला है, कोडी के हाथ रोमन को जीतने ही नहीं दे रहा है। ट्रिपल एच मेरा श्राप है तुझे, तेरे सर पे कभी बाल नहीं आएगा, तू देख के रख। कोई दिक्कत नहीं है ट्रिपल एच, तुम ऐसे ही हैंडसम लग रहे हो, तुम्हारी दाढ़ी के बाल से ही तुम क्रेटोस जैसे लग रहे हो, वो भी जाएगा। कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही चुका हो, दाढ़ी के बाल नहीं जाते, टेंशन मत वो भी जाएगा, नहीं वो भी उड़ेंगे उसके। कोडी रोड्स अंदर जाओ मेरे भाई, तुम्हारे टीममेट्स मार खा रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, 5 हो गया क्या हो गया? रोमन रेंस को एलिमिनेट करने के बाद सारी एनर्जी निकल गई क्या? अच्छा रोमन के सामने काफी ग्लैमर, ये कोडी भी रोमन के सामने पूरा जोश दिखा रहा है और बाकी सबसे मार खा रहा है। कल के वीडियो में केन से पूरा मार खा के एनर्जी चली गई थी इसकी। अरे हाँ ये बात भी है भाई, बस कोडी रोड्स को अच्छा खेलना है रोमन के सामने। लो देखो सिग्नेचर भी खा गया ये भाई साहब, गए लो, कोई बचाने भी नहीं आएगा इसको। 2 किक आउट कर लिया फाइनली, मेरे को उम्मीद नहीं थी पर फिर भी किक आउट कर लिया। अगर ड्रू मैकइंटायर से बच गया, लो भाई कॉर्नर,
अगर ये फिनिशर नहीं बचा पाया तो समझो गए। भाई मैकेंटायर तो पागल हो गया, गंदा पागल हो गया ड्रू मैकेंटायर, क्या हो गया ब्रो? अरे भाई साहब, अरे तेरे को रोमन के सामने टाइटल तो छीन लिया यार, अब क्या जिंदगी छीनेगा टू लड़के की? गया भाई, एलिमिनेट कर दिया ड्रू मैकेंटायर। भाई साहब, टीम कोडी के फैंस जो भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज ड्रू मैकेंटायर को फोकस करना यार, तो हो सकता है कोडी ही खराब खेल रहा हो। अभी देखते हैं, देखो रोमन रेस के फैंस, रोमन को जिताना है तो किसी भी तरह ड्रू मैकेंटायर को बचा लेना। ड्रू मैकेंटायर भाई पहले जीतने तो दे मेरे को, कम स्टॉर्म लगा दिया बिल्कुल सही मेरे भाई। हो रहा है यार, 1-on-2 हो रहा है, जीती जाएगा। अच्छा एक और कम स्टॉर्म लगा दो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, टाइम पास मत करो। ड्रू काफी खतरनाक लग रहा है मुझे, इसकी हेल्थ अच्छी खासी बची हुई है। ये काफी बावला हो गया है, ये जो सेथ रॉलिंस है ना, अलग बावला, एक नंबर का धोखेबाज है यार। इसे तो देख के मुझे चिर मच रही, जितनी मुझे कॉडियो से चिर देना बचती है उतनी मुझे इससे मच रही। भाई सेथ रॉलिंस ने लेकिन अपना वादा पूरा किया, उसने बोला था एक प्रोमो में कोडी रोड्स को कि यार अगर रोमन रेंस के खिलाफ सबसे बढ़िया तुमको कोई शील्ड मिल सकता है ना, तो वो मैं हूँ। चल अंडरटेकर जीता है, वो तो मार खा के रोमन रे भाई, लास्ट टाइम में भाई तुम तो देखे ही नहीं फिर। हाँ। लास्ट टाइम में पता है क्या हुआ था, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को चेयर मारने के, खुद पॉल हेमन ने बोला कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से बदला लेने के चक्कर में रोमन रेंस ध्यान हटा दिया कोडी रोड से, तो शील्ड कौन बना? सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मनुष्य ना हो गया, अरे कमॉन डू मैकेंटायर, इसे तो एलिमिनेट कर दे, तू भले ही हार जाए ये मैच लेकिन इसे एलिमिनेट कर दे तू जा। भाई फिर से सिग्नेचर आ गया ड्रू मैकेंटायर के पास, फिर से सिग्नेचर आ गया। ब्रॉक लेसनर अंदर भी नहीं आ सकता है, ब्रॉक लेसनर ब्रो क्या कर रहे हो? सेथ रॉलिंस का कुछ है क्या? स्टंड है, 3-2-1, अरे 2 पांच और गिन ले, पांच और गिन ले भाई साहब, नहीं गया। रोमन रेंस के फैंस अगर चाहते हो कि रोमन रेंस कम से कम गेम में ना हारे तो प्लीज ड्रू मैकेंटायर को बचाओ। 3, अरे बचाना का छोड़ो भाई साहब, मेरी टीम दांव पे लग गई, मेरी टीम दांव पे लग गई। ब्रॉक लेसनर भाई पूरे वीडियो में तुमने अच्छा नहीं खेला, प्लीज अच्छा खेल जाओ। ड्रू मैकेंटायर मां कसम, दिस इज द नाइटमेयर, रियल नाइटमेयर। कोडी रोड्स क्या कर रहे हो? कोडी रोड्स को सिर्फ रोमन के सामने ही अच्छा खेलना है, बाकी सबने पिटा है। ब्रॉक लेसनर तेरे पास सिग्नेचर फिनिशर रेजिलेंस सब कुछ है भाई, इससे ज्यादा एडवांटेज क्या चाहिए तुझे? अब भी अगर नहीं जीत पाया ना ब्रॉक तो तू क्या ही करेगा भाई? उमंग खतरनाक खतरनाक भाई सब 3, अरे कोडी रोड्स को तो आई थिंक फुल हेल्थ में कोड, चलो ठीक है बिल्कुल सही, अभी थोड़ी देर। अरे रेजिलेंस चला गया, डू मैकेंटायर अच्छा खेल रहा था यार, मुझे लग रहा था शायद लॉन्डर जीत जाए। चलो ब्रॉक लेसनर के पास अभी सिग्नेचर है और रेजिलेंस भी है, ड्रू मैकेंटायर सर के पास रेजिलेंस नहीं रहने वाला है, तो चलो फिलहाल तो अपनी टीम का अच्छा नजर आ रहा है, बाकी का पता नहीं। भाई रोमन के फैंस, ड्रू मैकेंटायर अगर ये मैच हम लोग हारते हैं तो ड्रू मैकेंटायर को किसी भी तरीके से बचाओ, लॉन्डा काफी अच्छा खेलता है, 3-on-1-on-3 करने वाला है। भाई कर मत देना प्लीज, मैं तो चाह रहा हूँ। अरे ब्रॉक लेसनर तुम कितना मार खा रहे हो भाई साहब, स्टार्टिंग से मार खा रहे हो तुम। जाता है मन, मेरे सामने अगर सेथ रॉलिंस आ गया ना तो चाहे उसके सामने कोई क्यों ना रहे, मैं सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करवाऊंगा। भाई ठीक है चलो, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस शील्ड बना हुआ है टीम कोडी का, वो तो तुमको ठीक है पता चल ही चुका है। और मंग एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर का बच्चा की, रोमन एलिमिनेट हो रहा है हमेशा कोडी रोड से। बताओ ना यार, जबकि सीजन 1 से लेकर 3 तक में रोमन मुश्किल से एलिमिनेट होता था, तो भाई 3-0 चल रहा है मैटर, 3-0 कोडी रे निकम्मे। वो सिग्नेचर आ गया ड्रू मैकेंटायर के पास भाई, गया ये मैच क्या भाई साहब, ड्रू मैकेंटायर दिमाग खराब कर तही कर दिया इसने, क्लेमोर गया रेजिलेंस, इट्स क्लेमोर टाइम, रेजिलेंस यूज कर लेना ब्रॉक कम से कम प्लीज। 2 रेजिलेंस गया, हार गए भाई, हार गए। सिग्नेचर भी उसके पास, सेथ रॉलिंस को निकाल देना, सिग्नेचर भाई बचा लिया, सिग्नेचर बचाया। द बीस्ट इनकार्नेट ने बेयर हग, खत्म करो यार, बहुत अच्छा खेला ड्रू मैकेंटायर ने यार। ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंस के फैंस, अगर ये मैच हम लोग हारते हैं ना, टैप करो तो ड्रू मैकेंटायर को किसी भी तरीके से बचाओ। तुम पहले भाई साहब टोक लो, नहीं तुम पहले टोक लो, चलता है वो चलता है। देखो पिन करवा लिया रे, नहीं ब्रो ऐसा मत कर यार, ब्रो सिग्नेचर भी है इसके पास, सबमिशन लगा सकता है। बदला ले रहा था कि मेरी ही टीम ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप छीनी है इससे, तो कोडी को हरवाओ और इलेक्शन में रोमन को जितवाओ, ये नारा है भाई। काम करो रोमन को जितवा देना, पर ड्रू मैकेंटायर को नहीं, तो ड्रू मैकेंटायर को एलिमिनेट करो, पूरी शक्ति लगा दो। अगर ड्रू मैकेंटायर एलिमिनेट हो गया तो उमंग की टीम का पावर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। रोमन रेंस के फैन, ड्रू मैकेंटायर को किसी भी हालात में बचाओ, क्योंकि हमें रोमन रेंस को शेर का बच्चा बनाना है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और अपने अपने वोट करो, क्योंकि डे लास्ट तक हम लोग वोट काउंट कर लेते हैं, और ड्रू मैकेंटायर को छोड़ना मत। टाटा भाई साहब, ड्रू मैकेंटायर को बचाओ,
और कुछ मत करने दो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।